आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जहां आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर जो न्याय मिल सकता था वो दिलाया। अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी चाचा को लेना चाहती है तो अच्छी बात है, इतनी देर क्यों कर रही है, मुझे चाचा से कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों पर बुलडोजर चलाकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे? क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और उस समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। पार्टी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब है वो दीजिए। आप महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? ये आप लोग विश्लेषण करिए, इसमें मैं नहीं कह सकता। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं? आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अतः जी नाराजगी का कारण क्या चाचा से? मुझे कोई ना, अगर बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ या 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको। ये चलाओगे कि नहीं चलाओगे? धन्यवाद। तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं पता है, ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर सुविधाओं के विकास के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत बीआरओ ने दो प्रस्ताव तैयार किए जिनमें से एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। दरअसल इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर करीब 150 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क का निर्माण मई से शुरू कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मोमिन शासन के आदेश पर नगर क्षेत्र तहसील सदर में बिना अनुमति के लगे सिंह हटाने और मानक से अधिक आवाज बजाने पर क्षेत्र में सघन अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 12 लाउडस्पीकर को हटाया गया है, तो वहीं 75 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई। साथ ही 118 धार्मिक स्थलों को नोटिस दे दी गई है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि लाउडस्पीकर जो बिना परमिशन के उनको हटाया जाए और जिनके साउंड ज्यादा है उनको न्यूनतम ध्वनि तक लाया जाए जो मानक है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक की गई और इसमें साथ में थे और सबको निर्देशित किया गया था कि टीम बना करके सभी थानाध्यक्ष और सीओ और उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इसको सघन अभियान चलाएं, जिसके अंतर्गत नगर क्षेत्र में टोटल सदर तहसील में मिला के 12 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। आदेश आया है सरकार की तरफ से, अब हाथी मजार की चौकी से सर जी आए हैं, हटवा रहे हैं। इसके पास परमिशन में हमारा भी है, अभी नया रिज्यूम कराएंगे परमिशन। अच्छा, कब की परमिशन कराई थी आपने? अरे वो ज़्यादा दिन का है, पुराना है जी, 18 का है। अच्छा, फिलहाल आपने उतार दिया? हाँ, सर जी आए तो उतरवाना ही है। अच्छा,
लगसा तहसील के राजस्व ग्राम में आज तक चकबंदी का कार्य चल रहा है। दरअसल चकबंदी के कार्य के बढ़ते कारोबार को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने लगसा तहसील परिसर में चकबंदी अधिकारियों के लिए कार्यालय खुलवाया था, जिसे खोले लगभग एक साल हो चुके हैं। बता दें कि पहले एक महीने तक कार्य दिवस में अधिकारी बैठते रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद चकबंदी अधिकारियों ने कार्यालय में ताला लटका दिया। उसी समय से किसान कार्यालय के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तहसील के करीब 100 गांव चकबंदी प्रक्रिया में वर्ष 2003 से हैं। 7 जून 2003 को चकबंदी का नोटिफिकेशन हुआ था। चकबंदी के मुकदमे यही लड़े जा, इसे तो लक्सर तहसील में एक कैंप कोर्ट सीओ की सुचारू रूप से चल रही थी, परंतु चकबंदी विभाग इतना नकारा विभाग है कि साल में उस कैंप कोर्ट में 3 या 4 सीओ आता होगा, इससे फालतू आता नहीं। कारण क्या है, रुड़की से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, अपने इसी दफ्तर में बैठते हैं। जबकि यहाँ का किसान दल्ला वाला से 25 किलोमीटर लक्सर आएगा और 25 किलोमीटर यहाँ से रुड़की जाएगा, तब वो मुकदमे फाइट करेगा। 12 बजे तक वहाँ पहुँचता है, उसे पता लगा दूसरा पक्ष तारीख लेकर भाग गया। और मेरे ख्याल में 4 में 3-4 ये खुला होगा, जैसे दीपावली की सफाई कर लेते हैं ना, तो कबाड़ खाना भी खोल लेते हैं घर में, तो वही स्थिति इसकी रही। बाकी ऐसा ना तो यहाँ कोई कोर्ट चलती है ना कुछ, जन सुविधा केंद्र के तरीके से इन्होंने जगह जगह अपने जो है जो चकबंदी लेखपाल या एसीबीआई इन्होंने अपने दफ्तर खोले हुए हैं कचहरी परिसर से बाहर 2-3। अब वहाँ जो है अपना वसूली चल रही है, किसी का काम हो या ना हो वादगारी परेशान है। अब मान लो साल में एक दिन अगर सीओ यहाँ आकर के बैठ भी रहे हैं कैंप कोर्ट के लिए, किसे पता है भाई आ जा रहे हैं। मुरादाबाद में बिजली घर के जोई का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में बिजली घर के जोई अपनी कुर्सी पर दोपहर के समय सोते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद जोई तो कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन विभाग के एसडीओ का कहना है कि जोई का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हमने भी देखा है, वायरल फोटो पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो मुरादाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बिजली घर के एक जई का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में बिजली घर के ये फोटोग्राफ में दोपहर के समय आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और जई ने तो इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा और वो बचते हुए नजर आए, लेकिन विभाग के एसडीओ का कहना है कि जई का फोटो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो उन्होंने भी देखा है, वायरल फोटो के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो जई का फोटो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, मुरादाबाद का एक पूरा मामला जहां पर जई कुर्सी पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कन्नौज में तेज आवाज करने वाले लाउडस्पीकर को उतरवाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जहां तेज आवाज करने वाले 40 धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर उतरवाए गए। वहीं एसपी प्रशांत वर्मा के निर्देश पर 400 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई है। जनपद कन्नौज में जो मानक से अधिक और मानक से तीव्र आवाज में जो लाउडस्पीकर लगाए गए थे उन सबको हटाने की कार्रवाई जारी है। इस क्रम में हमने लगभग 50 लाउडस्पीकर जो अवैध रूप से ज़्यादा लगा दिए गए थे उनको उतरवाया गया, एवं लगभग 400 लाउडस्पीकर जो तीव्रता का मानक का उल्लंघन कर उससे तेज बज रहे थे उनकी आवाज़ कम करवाई गई है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में रात में सिंचाई विभाग के भवन पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं अब सिंचाई विभाग ने नगर पंचायत प्रशासन पर भवन तोड़ने का आरोप लगाया। सिंचाई विभाग ने कहा कि सरकारी दस्तावेज भी मलबे में दब गए। विभाग का कहना है कि 986 वर्ग मीटर जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है, तो वहीं नगर पंचायत के प्रशासन इससे इनकार कर रहे हैं। 6 हेक्टेयर जमीन पर हमारी कॉलोनी बसी हुई थी, जिसका एक भवन अभी भी ये सामने आपके है और यहाँ पे भी भवन आज से कुछ समय पहले नगरपालिका परिषद द्वारा इसी 0.6 हेक्टेयर के अंतर्गत यहां पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके खिलाफ हमारे द्वारा जिला न्यायालय में वाद दायर किया गया। लेकिन आज से 3-4 माह पूर्व जिला न्यायालय द्वारा हमारे वाद को निरस्त कर दिया गया।
लेकिन किसी भी प्रकार से यह क्षेत्र जहां पर मैं खड़ा हूं या जहां पर ये ध्वस्तीकरण किया गया है, यह वाद में नहीं था। सर, सबसे पहले ये जो जमीन है सिंचाई विभाग की नहीं है, ये जिला कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। नगर पंचायत दिनेशपुर के नाम दर्ज है और खसरा खत्म हुई है, उसका जो निर्णय है कोर्ट से वो हमारे पक्ष में हो चुका है। और इस एरिया में हमारे काफ़ी प्रस्तावित योजनाएं भी चल रही हैं। और रही बात ध्वस्तीकरण की, तो वो जो ध्वस्तीकरण है उसके विषय में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, वो कब होगा। मतलब आपके कहने का मतलब आपके किसी भी कर्मचारी या किसी ने भी कोई वहाँ पे नहीं जाए? ऑफिशियली नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जैसा देखा गया वहाँ पे दो सभासद, एक सभासद और एक सभासद पति वहाँ मौजूद थे, तो वो उनकी देखरेख में ये सारा काम किया गया है। तो मतलब मैंने आपको बताया कि मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अभी मीटिंग में थी रुद्रपुर, अभी जब मैं यहाँ आई तभी मुझे लोगों ने कहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है या मेरे कोई ऑर्डर से हुआ नहीं है। बलरामपुर में प्रशासन और पुलिस द्वारा धर्मगुरुओं से मीटिंग करने के बाद कुछ सुखद परिणाम देखने को मिले, जहां धर्मगुरु खुद ही आगे आकर मंदिर और मस्जिद से अतिरिक्त लाउडस्पीकर को उतार रहे हैं, साथ ही लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम करा रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर जिले के कई मंदिर और मस्जिदों में इस तरह का प्रयास देखने को मिल रहा है। लाउडस्पीकर उतारा गया है क्योंकि पहले से ही सरकार का एक आदेश जारी हुआ है, सभी धार्मिक स्थलों पर एक तो लाउडस्पीकर उतारने का और दूसरा जो है आवाज़ कम रखने का, क्योंकि धार्मिक सौहार्द और इस देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि सरकार का निर्देश है और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी शक्तिपीठ देवपाटन मंदिर से जो है चार स्पीकरों में से तीन स्पीकर उतार दिए गए हैं और सरकार का समर्थन किया गया है, ताकि सभी धार्मिक स्थलों से अपील भी है साथ साथ में। अमेठी में डीएम कार्यालय में सैकड़ों महिलाओं ने हंगामा और प्रदर्शन किया। दरअसल कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। का विरोध प्रदर्शन था, एक साल से लगभग हो गया है। ग्राम सभा उमरा डी जामो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो तहसील गौरीगंज है। यहाँ 18 फरवरी 2021 से लगातार अप्लीकेशन ये लोग दे रहे हैं कि गाटा संख्या 874 मरघट की जमीन लेखपाल की मिली भगत से कब्जा हो रहा है, लेकिन प्रशासन आंख बंद किए बैठा हुआ है। जब मई से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ पिछले मई से, तब जाकर के इन्होंने जून में एक नोटिस भेजी, उसके बाद जुलाई में भेजने के बाद से लगातार वो इनको घूम घूम के मार रहे हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा, कुछ नहीं कर रहा। आगे किस तरह की रणनीति? आगे की रणनीति, पीछे हम आए थे तो इनके यहाँ SDM महोदया थी, आज वो बदल गई हैं, दूसरे SDM अपनी शक्ल दिखाने आए हैं। ये कह रहे हैं कि आज हमने उनको टाइम नहीं दिया है, कह रहे हैं कि 20 मई तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बताना कुछ ना कुछ होगा। हमने कहा है तो गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा तो फिर हम लोग यहीं बैठेंगे, जब तक गिरेगा नहीं हिले। अलगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के कोड़ियागंज इलाके में शातिर चोरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घुसाए व्यापारियों समेत आसपास के लोगों ने घर में घुसकर चोरी करने वाले शातिर चोरों की गिरफ्तारी को लेकर बाजार बंद करते हुए हंगामा किया। वहीं आरोपी गिरफ्तारी के डर से कस्बे में ही बने सालों पुराने एक जैन मंदिर के अंदर सोने चांदी के आभूषण समेत नगद रुपया फेंक कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर्कल घर में चोरी हुई थी, तो अब क्या हो रहा है? अब क्या कोई पता नहीं, ऊपर से प्रेशर की वजह से कुछ सामान इसमें मंदिर में, जैन साहब का मंदिर है, इसमें कुछ सामान गिर गए हैं। क्या कच्ची? अब जैसे कुछ नोटों की गड्डियाँ 10 की 20 की है, एक आधा आइटम गोल्ड के हैं, एक आधा आइटम चांदी के हैं, ये आइटम मिले हुए हैं अभी तो, और काउंटिंग हो रही है, अब देखो क्या क्या नहीं है। ये माल आपके कहाँ है? हाँ, माल तो अभी तक तो मेरा है, मैंने देखा था तो गड्डी मेरी लग रही है, चैन भी है उसमें, एक चैन देखी थी मैंने वो भी मेरी है, और चांदी की पायल की तो जानकारी नहीं है अभी, बेकार मैं कह दूं चांदी की पायल मेरी नहीं है, जो चांदी चैन जो थी वो मेरी थी। अमेठी के मोहनगंज में तैनात महिला दारोगा रश्मि यादव खुदकुशी
मामले को कुछ लोगों ने विभागीय स्तर पर जातिगत उत्पीड़न बताकर घटना को तूल देने का प्रयास किया है, जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी अमेठी दिनेश सिंह ने सिरे से खारिज करते हुए मीडिया से कहा कि इस घटनाकांड का जातिगत आधार से कोई मतलब नहीं है। ये नितांत गलत है, असत्य है। श्री रश्मि यादव जी के पिता की तहरीर पर हमने 306 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। पूरा प्रकरण इस बात का पाया गया कि रश्मि यादव सुरेंद्र सिंह जाटव नामक व्यक्ति से, जिनसे उनके संबंध थे, उसके द्वारा मृत्यु से ठीक पूर्व बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने आत्मसंयम खोकर के ये घटना कारित की है। उनके फ़ोन की फोरेंसिक जांच में जो कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है कि सुरेंद्र सिंह जाटव, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, उनके द्वारा जो शब्द कहे गए उससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये संयम खोकर ये घटना कारित की है। समस्त साक्ष्य संकलन करने के उपरांत अभियुक्त सुरेंद्र सिंह जाटव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बुलंदशहर के रूपशहर विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता को एक अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल की गई, जिसके बाद पूर्व विधायक को पॉन वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भेज रंगदारी मांगी गई है। कांग्रेस नेता ने तत्काल एसपी कार्यालय पहुंचकर जिला कप्तान को मामले की सूचना दी। मुझे थाना अनुपसार क्षेत्र की एक प्रार्थना पत्र क्षेत्र का प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पूर्व विधायक के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि किसी ने उन्हें कॉल करके कहा कि उनकी असली वीडियो उसके पास है, वायरल करके वो उसको बदनाम कर सकता है, और उस आधार पर, तहरीर के आधार पर अभियोग थाना अनुपसार में पंजीकृत कराया गया है। साइबर सेल से पूरे प्रकरण की जाँच कराई है। उधम सिंह नगर की सुल्तानपुरी पट्टी के ग्राम पिपलिया में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमें तो इसका कोई मैटर नहीं है। हमारा झगड़ा क्या है जी, रात को 11:30 के लगभग इसका फोन आया, जो मैंने पिक नहीं करा। उससे बाद 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, अपना शर्मा कट लिखा हुआ था मेरे उस पर, तो मैंने फ़ोन पिक करा, तो ये अभद्र भाषा का गाली गलोई, तेरे परिवार ख़त्म कर दूंगा, तूने ये कर दिया, वो है, तू गुंडा है, तू अपने आप को गुंडा समझता है, ये है वो है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने तुम्हारे साथ क्या गुंडागर्दी करी है? कह रहा तू है कहाँ? मैं डर के मारे, इसने कई मर्डर कर रखे हैं, इसने डर के मारे कहीं हमारे पर हमला ना कर दे। मैं अपना इसको बोला मैं मुरादाबाद में हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। उससे बाद 12:15 के लगभग ये 3-4 गाड़ियों से ये फायरिंग करते करते ये हमारे यहाँ फायरिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी। हम सारे मतलब घर बार छोड़ के अंदर से ऊपर छत पे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, हम भागने लगे तो इसने क्या लगा इसको मार दो। अंदर गए, अंदर हमारे अंदर जाके ये टटोला पटोली, इसके लड़के, इसका लड़का विराट, एक प्रेम शर्मा था, अब मैं दो सबको नाम तो जानता नहीं, 12-13 थे, 3 लग्जरी गाड़ी में थे। अब रात को इतने जनों का अपनी जान बचाता कि इनको मैं करता। 112 की सूचना आई थी, इसमें नेत्र प्रकाश शर्मा पिपलिया गांव में रहते हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ हमलावरों ने इनके घर पर आकर 3 गाड़ियों में आकर 15-16 लोगों ने आकर फायरिंग की है, घर के अंदर घुस के फायरिंग करी है, महिलाओं के साथ मारपीट करी, इसके साथ ही कुछ घर में जो भी सामान था उसे खुदबूत कर दिया है। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे, हमने सारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने पर हमें कुछ खाली खोखे प्राप्त हुए, उसके अलावा इसमें कुछ ये देखा गया कि दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक तहरीर आई, जिसमें ये बताया गया कि उनके साथ के भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से और 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से हमने इसमें तहरीर ले ली है और मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 घायल हैं और पंचायत में भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्तमान में इसमें जांच की जा रही है।
अमेठी में सीएमओ पर संविदा कर्मचारी के शोषण करने का आरोप लगा है। जहां सीएमओ के बार बार शोषण से संविदा कर्मचारी लगातार चक्कर खाकर गिर गया, जिसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अमेठी का एक पूरा मामला है जहां पर एसीएमओ पर कर्मचारी से शोषण का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि एसीएमओ लगातार कर्मचारी पर शोषण कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।